प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर जर्नल। बच्चों कल हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज जर्नल एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ये बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्रू विच आई विल एक्सप्लेन हाउ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। लेट्स स्टार्ट। बच्चों ये देखिए, ये जर्नल का मैंने फॉर्मेट बनाया है, कल डिस्कस हमने कर लिया था। देर आर फाइव कॉलम्स इन जर्नल। फर्स्ट कॉलम फॉर डे, सेकेंड पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम LF लेजर फोलियो। मैंने कल आपको बताया था कि ये कॉलम ब्लैंक रहेगा, कॉलम बनाना है लेकिन ब्लैंक रहेगा। एक्चुअली दिस कॉलम इज फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। दिस इज अमाउंट इन रूपीज डेबिट एंड दिस इज अमाउंट इन रूपीज क्रेडिट। तो टोटल फाइव कॉलम्स है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है। बच्चों लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम। वैसे मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देखते रहना और सुनते भी रहना। तो प्रोप्राइटर का नाम क्या है? सियाराम। हमें ट्रांजेक्शंस दी हुई है कौन से महीने की? जनवरी 2019। अब देखो बच्चों फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखी है, फर्स्ट जनवरी 2019 लिखा है सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रूपीज 50,000। देखिए कैसे एंट्री करेंगे बच्चों। ईयर ऊपर लिखना है 2019 जनवरी 1। अब ईयर हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रूपीज 50,000। हर ट्रांजेक्शन को हमने ध्यान से एनालाइज करना है। बच्चों आपको पता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, राइट। रूल्स मैंने आपको बता दिए थे, अमेरिकन अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच, और हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? अमेरिकन अप्रोच। बातें दोनों में सेम ही है। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा 50,000 के साथ, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। बच्चों आपने साफ साफ सोचते रहना, तभी आपको अकाउंटेंसी आएगी। तो देखिए किन दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट, यस, और सेकंड किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। बच्चों सियाराम अकाउंट नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अपनी ही बुक्स में अपने ही नाम का अकाउंट नहीं खुलेगा। मान लीजिए मैं ओनर हूं सचिन, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरी ही बुक्स में सचिन अकाउंट नहीं खुलेगा। तो प्रोप्राइटर के लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को, प्रोप्राइटर को, राइट। अब देखिए अगर हम अमेरिकन अप्रोच की बात करें, उसी अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। वैसे आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। कैश अकाउंट की नेचर क्या है? टोटल फाइव कैटेगरीज होती है अकाउंट्स की एज पर अमेरिकन अप्रोच। तो कैश अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों? एसेट अकाउंट। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? हम जो भी सोचेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, बिजनेस के एंगल से सोचना है। तो बिजनेस में तो कैश इंक्रीज हो रहा है, और जब कोई एसेट इंक्रीज होती है हम इसे क्या करेंगे? डेबिट। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या है? कैपिटल अकाउंट की नेचर तो कैपिटल अकाउंट है, जो फाइव कैटेगरीज मैंने आपको बताई हुई है, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट, और इनकम और रिवेन्यू अकाउंट। तो इस अकाउंट की नेचर क्या है? कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बच्चों यहां पर कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? यहां पर तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। एंड वी नो व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये लो बच्चे। अब रही बात जर्नल में रिकॉर्ड करने की, जर्नल में एंट्री करने की, अब इसमें तो केवल फॉर्मेलिटी है। मेन तो आपने हर ट्रांजेक्शन में यही एनालाइज करना है कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, दैट्स ऑल। जर्नल एंट्री अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने डेट डाली है जनवरी 1। कल भी मैंने आपको सिखाया था पहले हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, अकाउंट टू बी डेबिटेड।
तो कैश अकाउंट डेबिट मैंने आपको कहा था यहां पर लिखना है कितने से डेबिट होगा 50,000, ठीक हो गया। क्रेडिट किसे करना है कैपिटल अकाउंट, उसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि थोड़ा स्पेस छोड़कर यहां पे लिखेंगे टू। क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, टू। स्पेस इसलिए छोड़ते हैं ताकि डेबिट वाला अकाउंट और क्रेडिट वाला अकाउंट दोनों अलग अलग दिखें, सेपरेट दिखें। तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया। कितने से क्रेडिट करना है 50,000, ठीक इसके सामने क्रेडिट में लिखेंगे 50,000। बच्चों हर ट्रांजेक्शन में जितने रुपए डेबिट होंगे उतने रुपए क्या होंगे क्रेडिट, दिस इज डबल एंट्री सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं अकाउंटेंसी में। फिर एक बात मैंने और कही थी, हर एंट्री के नीचे आपने इस ट्रांजेक्शन की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है विच इज कॉल्ड नरेशन। तो क्या ट्रांजेक्शन थी ये, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये लो ये नरेशन हो गई। अगर ट्रांजेक्शन काफी बड़ी है तो आप उसको सोल्ड करके लिखोगे, दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन बिलो द जर्नल एंट्री दिस इज नोन एज नरेशन। और अब आपने एक लाइन लगानी है ताकि सारी एंट्रीज हमें अलग अलग दिखाई दे, ये लीजिए हो गई जर्नल एंट्री। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है 2 जनवरी, क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। ये पॉइंट बच्चों ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है, पहले मैंने सिखाया आपको, दोबारा कर लेते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, सोचिए किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए फर्नीचर अकाउंट की नेचर क्या है, बच्चों जब भी मैं आपसे नेचर पूछता हूं तो आप समझ जाओ कि मैं अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फर्नीचर अकाउंट, एसेट। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, इट इज ऑल्सो एसेट। अब देखो फर्नीचर यहां पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बच्चों रूल्स आपको याद होने चाहिए तभी हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। तो फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे डेबिट, राइट। कैश कम हो रहा है, हमने पेमेंट की है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट, पहले भी हमने डिस्कस किया था। यहां पर देखिए डेट डालनी है आपने 2 जनवरी, पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बीच में स्पेस ब्लैंक रहेगा। ये कितने से डेबिट करना है बच्चों, अमाउंट लिखी है 6,000, ठीक है। क्रेडिट किसे करना है, कैश अकाउंट, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टू, टू कैश अकाउंट, हाउ मच 6,000। और नरेशन भी आपने लिखनी है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ये लीजिए नेक्स्ट एंट्री हो गई, क्वाइट सिंपल, बस चलते हैं कि आपको रूल्स पता हो। आगे चलते हैं जनवरी 4 में, देखिए क्या लिखा है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान से देखना, ये नया पॉइंट है, लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्नीचर परचेज किया था और अब हम क्या परचेज कर रहे हैं बच्चों, गुड्स। विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, ध्यान से सोचिए किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, यस नो डाउट कैश अकाउंट पर तो इफेक्ट पड़ेगा, हमने पेमेंट की है और बदले में हमने क्या परचेज की है, गुड्स। अब ये मत कहना कि इसे गुड्स अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स अकाउंट तो होता ही नहीं, हम अपनी बुक्स में गुड्स अकाउंट नहीं ओपन करते, ऐसा कोई अकाउंट होता ही नहीं बच्चों। इफ यू रिमेंबर इन 2nd चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आई डिस्कस अ टर्म परचेज, एक टर्म मैंने आपको बताई थी परचेज एंड सेल, और अगर आपको याद हो तो वहां पर मैंने ये कहा था कि परचेज के वक्त इन अकाउंटिंग द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। देखिए बच्चों दूसरा अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट,
ये लीजिए, गुड्स अकाउंट नहीं होता, परचेज अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। जो परचेज वर्ड है ये किसके लिए यूज करते हैं हम, गुड्स के लिए, ओनली फॉर गुड्स। अब देखिए डेबिट क्रेडिट, पहले कैश अकाउंट की बात करते हैं बच्चों। कैश अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट। देखो कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करेंगे, एसेट कम होगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट एज पर अमेरिकन अप्रोच, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस और इनकम, क्या नेचर इसकी बच्चों। परचेज अकाउंट की नेचर क्या है, इट इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई थी सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस क्या होता है, द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म टू जनरेट रिवेन्यूज, तो दिस इज एक्सपेंस। और रूल क्या कहता है, अमेरिकन अप्रोच क्या कहती है, कि जब कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पे तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, आपने माल खरीदा है। इंग्लिश अप्रोच भी यही कहती है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बच्चों एंट्री मैं कर रहा हूं यहां पे, डेट क्या है, January 4 परचेज अकाउंट डेबिट विद ₹20,000। बच्चों ध्यान रखना डेबिट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट टू कैश अकाउंट विद ₹20,000। नरेशन जरूर लिखनी है बच्चों, ध्यान रखना, कई बच्चों की हैबिट होती है कि वो नरेशन नहीं लिखते। विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट। एग्जाम में अगर आप जर्नल एंट्री करते हो, नरेशन आपने नहीं लिखी, तो मार्क्स आर लाइबल टू बी डिडक्टेड, मार्क्स पूरे नहीं आएंगे, मार्क्स कटेंगे। तो नरेशन लिखनी है, गुड्स परचेज फॉर कैश, ये लिखिए बच्चों। इन दोनों ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिए, एक कंक्लूजन निकलता है। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। बिल्डिंग परचेज करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। बट इफ गुड्स आर परचेज देन परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बट व्हेन गुड्स आर परचेज देन परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। रिमेंबर इन अकाउंटिंग द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हम गुड्स की बात हो रही है, क्लियर। आगे चलते हैं, January 5 लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। डेट डाल देता हूं January 5 बच्चों, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, हाउ मच 12,000, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। एक तो बच्चों हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुभाष से जो हमने गुड्स परचेज की है, वेदर इट इज कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, नग खरीदा है कि उधार खरीदा है। अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे तो क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बताया नहीं कि कैश परचेज है क्रेडिट परचेज है। बच्चों इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो आपने ये देखना है कि वेदर द नेम ऑफ द सप्लायर इज गिवन और नोट। किस सप्लायर से हमने मान लिया, सुभाष से, तो सप्लायर का नेम तो दिया हुआ है। एंड इफ नेम ऑफ सप्लायर या नेम ऑफ कस्टमर इन केस ऑफ सेल, अगर सप्लायर का नेम दिया हुआ है या कस्टमर का नेम दिया हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये बातें मैंने आपको बताई थी, क्योंकि नेम की जरूरत कहां पर पड़ती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा बता दूं,
अब मार्केट में गए बुक खरीदने के लिए, अकाउंटेंसी की बुक आपने परचेज की, अगर आप शॉपकीपर को पेमेंट कर देते हो तो आपका नाम नहीं पूछेगा, वो पेमेंट लेगा, आपको बुक देगा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, आप कहते हो जी पेमेंट मैं करूंगा हफ्ते के बाद, दस दिन के बाद, ठीक है, तो दुकानदार फिर आपका नाम पूछेगा। मतलब नेम की जरूरत तब पड़ती है व्हेन द ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, कैश ट्रांजेक्शन में तो नेम की जरूरत नहीं होती। तो क्योंकि यहां पे सप्लायर का नेम दिया हुआ है सुभाष, तो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज क्रेडिट परचेज, क्लियर। आगे देखिए किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, परचेज अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, यस, व्हेन एवर बुक्स आर परचेज, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। अब दूसरा किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, सुभाष अकाउंट। बच्चों कैश अकाउंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पेमेंट तो हमने करी नहीं, उधार लिया है, तो किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, सुभाष अकाउंट। अब देखिए एज पर अमेरिकन अप्रोच सुभाष अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है, व्हाट इज दिस, सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। हमने सुभाष से उधार माल खरीदा है, सुभाष हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर। और बच्चों क्रेडिटर को क्या ट्रीट करते हैं, एसेट या लायबिलिटी, क्रेडिटर तो लायबिलिटी है। तो इस अकाउंट की नेचर क्या है, लायबिलिटी अकाउंट, ये लायबिलिटी है। अब रूल आपको पता होना चाहिए, देखो यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, यहां पर तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो हमारे सिर का बोझ बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ रही है। एंड व्हेन लायबिलिटी इज इंक्रीज इट इज क्रेडिटेड, ये तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों किया, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, हाउ मच, 12,000, और सुभाष को क्या करेंगे, क्रेडिट टू सुभाष, कितने से, 12,000, ठीक है बच्चों। नरेशन लिखनी इसके बाद क्या लिखेंगे, बुक्स परचेज फ्रॉम सुभाष, ठीक है बच्चों। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मैंने सुभाष के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखा, सुभाष के साथ मैंने अकाउंट वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों ये ट्रेडिशन है, मतलब एक परंपरा चली आ रही है कि हम नेम के साथ अकाउंट वर्ड नॉर्मली नहीं लिखते, तो आप नेम के साथ अकाउंट वर्ड मत लिखना, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, कोई भी नेम है, किसी इंडिविजुअल का नेम है, किसी फर्म का नेम है, किसी कंपनी का नेम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, नेम के साथ अकाउंट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, क्लियर बच्चों। एक बात और ऑब्जर्व करिए यहां पर, अभी मैंने आपको ट्रांजेक्शन करवाई है January 4 and January 5, इन दोनों ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिए, कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड व्हेन एवर बुक्स आर परचेज, वेदर परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। जब भी हम अपनी दुकान के लिए माल खरीदते हैं, नगद खरीदा है, उधार खरीदा है, वट एवर बी द केस, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है बच्चों। बातें समझ आ रही होंगी, अगर रूल्स आपको पता है समझ आएगा, नो प्रॉब्लम, इजी है, रादर इंटरेस्टिंग है। आगे देखिए लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, हाउ मच, 7500। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, बच्चों क्लियर लिखा है फॉर कैश, नगद खरीदा है, और अगर हमने नगद खरीदा है तो बच्चों यहां पे फिर रवि का कोई मीनिंग नहीं है, रवि से लिया है, कवि से लिया है, डजेंट मैटर, नगद खरीदा है, दैट्स ऑल। विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, परचेज अकाउंट एंड एंड कैश अकाउंट, रवि अकाउंट पर नहीं इफेक्ट पड़ेगा, रवि का यहां पे कोई मीनिंग ही नहीं, आप इग्नोर करिए रवि को, सिंपली परचेज गुड्स फॉर कैश। तो एंट्री आप कर लोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
कर सकते हो बच्चों, मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा ये एंट्री, ये आपने खुद करनी है। बस ये ध्यान रखना कि जनवरी 16 में रवि का कोई मीनिंग नहीं है। 17 देखिए, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रुपीज 5000। अब क्वेश्चन साइलेंट है, और अगर यहां पर साइलेंट है और सप्लायर का नेम दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने ये एंश्योर करना है कि वेदर द नेम ऑफ सप्लायर इज गिवन और नो। तो क्योंकि सप्लायर का नेम दिया हुआ है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज क्रेडिट परचेज, तो एंट्री कर सकते हो बच्चों। अभी डिस्कस किया था, सोचिए क्या एंट्री होगी इसकी। परचेज अकाउंट को डेबिट होएगा होएगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। क्रेडिट किसे करेंगे? रवि को, क्योंकि रवि हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। और क्रेडिटर का मतलब है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। फिर बता रहा हूं बच्चों, 16 की जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16 जनवरी। 17 जनवरी को क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। क्लियर? लास्ट देखिए 27, बीच की दो ट्रांजेक्शन मैं छोड़ रहा हूं बच्चों, आप खुद कर रहा हूं। यहां पर आ गया मैं 27 जनवरी। ट्रांजेक्शन क्या है? पेड रेंट रूपीज 400। ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, हमने दुकान का रेंट पे किया है कितना? 400। विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टिव? रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलो रेंट अकाउंट की बात करते हैं। देखिए इस अकाउंट की नेचर क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, क्योंकि हमने पे किया है, और एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। अगर कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। कैश अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों? एसेट। कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? कैश तो कम हो गया, और जब कोई एसेट कम होती है हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। द जर्नल एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट विद रूपीज 400 टू कैश अकाउंट 400, और नरेशन आप लिखी दोगे रेंट पे। देखिए लाइन ड्रॉ करनी है, और ये हमारा जर्नल बन गया बच्चों। एक काम और करना है आपने, लास्ट में इस जर्नल का टोटल भी आपने करना है, डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, और फिर ये हो गया हमारा जर्नल। टोटल बच्चों मैं नहीं कर रहा, टोटल आप खुद कर सकते हो। जितना टोटल डेबिट का आएगा उतना ही टोटल क्रेडिट का आएगा ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम।